क्या बोलते हो? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड? ये सर कर दीजिए। कर दिया, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है ना? हाँ सर स्टार्ट है। बढ़िया, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आपको दिख भी गया होगा जो हमने शेड्यूल शेयर किया था उसमें, कि हम लोग पढ़ने वाले मिरर इमेजेस के बारे में। हाँ है ना सर? आज तो क्यूब्स एंड डाइसेस था ना? नहीं तो क्यूब्स एंड डाइसेस हो गया था ना, रिवीजन करवाना था, ये हो गया। आया ना? ठीक है। और कल एक मेंटी कर लेंगे, क्या बोलते हो? मेंटी कर लें कल, एक कल या वेंसडे को? कब करें सर? कल सर, वेंसडे। अभी थोड़ा सा वार्म अप लगेगा सर, बहुत दिन से छूटा हुआ है। तो क्या मेंटी करें या नहीं करें? नहीं सर, वेंसडे को वेंसडे को मेंटी करें। तो फिर ऐसा yes, sir, तो फिर वेंसडे को नहीं करेंगे, फिर मेंटी फ्राइडे को ही करेंगे, ठीक है? ओके सर। यस, फिर मेंटी ना फ्राइडे को ही करेंगे, ठीक है? आज तारीख कितनी है बेटा? 5 तारीख है आज। यस हाँ सर। चलो बढ़िया, ठीक है। अब आराम से सुनना बात को और बहुत इत्मीनान से समझना, राइट? अगर आप एक राइट हैंडेड पर्सन हो, ओके, और आप अपने आप को लिखते हुए एक मिरर में देखते हो, तो जो व्यक्ति मिरर में दिखता है वो आपको कौन दिखता है? लेफ्ट हैंडेड पर्सन दिखता है ना? लेकिन वो उस डायरेक्शन में दिखता है, राइट और नॉट? इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? आया ना? तो मिरर में होता है लैटरल इन्वर्जन। मिरर में क्या होता है? लैटरल इन्वर्जन। जितनी भी चीजें होती हैं वो हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाती हैं। हाँ है ना? यस सर। इस तार बात है बेटा, एक जो जो लॉजिकल रीजनिंग या माइंड आपके साथ खेलता है ना, ठीक है, समझ रहे हो बात को? जो जो एग्जामिनर आपके साथ खेलता है वो कैसे खेलता है? वो खेलता है मिरर की पोजिशन। इस बात से मेरा क्या मतलब है समझाता हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है बेटा? अच्छा, तो देखो, अगर मैं बोलूं ये एक एरो ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना? यस सर। अगर बेटा मैं मिरर को यहाँ रखूंगा तो इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी? सर एरो अपोजिट फेसिंग। यस सर। यस सर। Arrow pointing towards that point. आया ना? Yes, yes sir. So, लेकिन अगर इसी कंडीशन में सर, I have a doubt, तन्मय, that a mirror image and a water image are same. पढ़ेंगे तन्मय, बिल्कुल रिलैक्स यार, तुम तो यार क्लास का सस्पेंस ही खराब कर दोगे यार तन्मय भाई यार। ये मैं असाइनमेंट की तरह भी देने वाला था आज, अभी तन्मय भाई ने क्लास का सस्पेंस ही खराब कर दिया। आप लोग खुद अभी क्लास के बाद, बहुत सारे लोग तो नहाए नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग तो अब भी उठ के बैठे ही हैं क्लास में, हाँ है ना? यस सर। यस, ठीक है। तो आज यस सर। नो सर। यस सर। आज थोड़ा सा पढ़ाई करना। तो मैं क्या बोल रहा था कि मिरर की पोजिशन बेटा, है ना, मिरर की पोजीशन अगर यहाँ रख दोगे तो ऐसी बात होगी, लेकिन अगर यही व्यक्ति मिरर की पोजीशन को यहाँ कर दे तो सर तो वाटर इमेज बन जाती है, तो कोई चेंज नहीं होगा, हाँ है ना? यस सर। यस सर। राइट और नॉट? यस सर। पक्का? यस सर। ये सिर्फ तभी होगा जब एरो सिमेट्रिकल हो। क्या बेटा? यस सर। सर अगर किसी पर्सन मिरर से तो सिमेट्रिकल ही बनेगी, मिरर होगा तो फिर सर वो वैसे ही पॉइंट करेगा लैटरल इन्वर्जन। मैं कह रही हूँ कि जो सब कह रहे हैं कि सेम होगा, मैं कह रही थी कि वो तभी होगा जब एरो सिमेट्रिकल होगा। हाँ बिल्कुल, अगर मिरर सिमेट्रिकल तो बनेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल ज्यादा सही बोल रहे हो, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होगा तब होगा, है ना? ठीक है, बढ़िया। अब बात करते हैं आगे की। तो पहली बात मैंने कर ली किसके बारे में? मिरर की पोजीशनिंग के बारे में, ठीक है बेटा? अब दूसरी बात होती है कि किस किस की इमेज निकालने को बोलता है वो हमें, कौन कौन से काम करवाता है। तो वो हमसे करवाता है
प्राइमरली चार कैटेगरी के काम, एक्चुअली तीन है, चौथी तो व्हाट वी कॉल इट एज, चौथी तो अपने आप बन गई है, ठीक है. श्योर, कैटेगरी के काम तीन ही है. कौन कौन से, तो सुनो. पहला होता है नंबर्स की इमेज, ठीक है. श्योर. दूसरा होता है अल्फाबेटिकल यानी कैरेक्टर की इमेज. तीसरा होता है ऑब्जेक्ट की इमेज. और तो मिक्स, वो कैरेक्टर ऑब्जेक्ट और नंबर सबको मिक्स करके दे देगा. यस और नो सर, चौथा क्या होता है? मिक्स्ड. ओके सर, ठीक है. इसलिए मैं बोल रहा था चौथा, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है ना बेटे? यस सर. गुड. यस सर, बट प्लीज कैन यू अलाउ मी टू ज्वाइन फ्रॉम माय लैपटॉप. आई हैव अलाउड एवरीवन. रुचि नाउ, आई गेस हैव यू ज्वाइन रुचि? एनीवे, सो गाइस, ठीक है, ये बात समझ में आई. अब ये अगर हल्का हल्का याद हो तो कोई बुराई नहीं है इसमें. जैसे एक लौता ऐसा नंबर है जिसके साथ कोई चेंज नहीं होता, वो कौन सा नंबर है बताओ? जीरो. आय शाबाश. तो दो डिजिट ऐसे हैं जिनमें कोई जीरो चेंज नहीं होता, जीरो और एट, हाँ है ना. बाकी सारे डिजिट में कोई ना कोई चेंज होगा ही होगा. क्लियर? यस सर. बढ़िया. यस सर. है ना, कोई बात. वन बेटा, वन हम लोग ऐसा लिखते हैं, लेकिन ये वन लिखने का सही तरीका नहीं है ना. वन को दुनिया ऐसा लिखती है. तो अगर यहाँ मेरा होगा, तो वन ऐसा बन जाएगा. यहाँ पर मेरा होगा तो वन ऐसा बन जाएगा. समझ में आया? यस सर. ठीक है. श्योर. हाँ, क्या बोल रहे थे? कोई कोई एट के बारे में कुछ बोल रहा था. सर एट की मैं कह रही थी कि सर वन की जैसे प्रॉब्लम है, सर एट का भी ऊपर का गोला दुनिया छोटा बनाती है और नीचे का बड़ा बनाती है, पर वो हमेशा वर्टिकल होता है. हमें जो क्वेश्चन आते हैं वर्टिकली प्लेस्ड है ना, रेफरेंस में आते हैं, ठीक है. हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रिंटेड वर्ल्ड के रेफरेंस में आते हैं, और प्रिंटेड वर्ल्ड में सिमेट्रिक होते हैं, है ना. हाँ सर. सर नहीं, मैं कह रही थी कि अगर उसको वर्टिकली प्लेस करेंगे मेरे को, तो सर फिर सेम होगी मेरा इमेज. लेकिन सर अगर उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देंगे तो फिर वो रिवर्स हो जाए. हाँ बिल्कुल. अगर एट किसी ने ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, उल्टा बन जाएगा. राइट और नॉट? हाँ सर. बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. बट उस केस में ना आराम से आपको विजिबिलिटी देगा एग्जामिनर, इस जगह परेशान नहीं करेगा कि गौर से देखो. नहीं, गौर से देखो वाला सिनेरियो नहीं है. क्लियर? सो बेहतरीन बेहतरीन बढ़िया. आगे बढ़ते हैं, अब कैरेक्टर्स में आते हैं बेटा. तो कैरेक्टर्स हमारे पास ए टू जेड है, आया ना? हाँ सर. बढ़िया. Yes, सर ओ में चेंज नहीं होता. कौन सा? सर ओ में नहीं होता है, आई में नहीं होता. सर करेक्ट, मैं नहीं होता. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ए चेंज नहीं होता है, आई चेंज नहीं होता है. ये हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मिरर के रेफरेंस में. हां यार, में भी नहीं होता सर. दोनों की केस सर में चेंज नहीं होता. सर एक्स में भी नहीं होगा. सर ए में चेंज होगा. एंड सर ओ एम में भी नहीं होगा. आया ना? यस सर. सुन में आ रहा है? सर डब्ल्यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आता है एक्स में भी नहीं. सर ओ. हाँ बेटा बोलो. सर ओ नीचे हो तो फिर सर चेंज हो सकता है. नहीं, अभी हमने किस मैंने क्या बोला, हम सारी बातें अभी वर्टिकल मिरर के रेफरेंस में कर रहे हैं बेटा, ठीक है. तो M के बाद N O P Q R S T U V W X Y Z आता है. आपको पता है कि कौन सा चेंज होगा और कौन सा चेंज नहीं होगा. कोई है मेरा? Y also U V. Y Y बिल्कुल Y सही है बेटा. Y में कोई चेंज नहीं होगा. सर U. And सर V and W. सर V V. W नहीं होगा. W. सर O. X भी नहीं होगा. Y. सर T. O. सर ओ.
बेटा जानवी जेड में चेंज होगा, देखो कैसे, ये जेड लिखा हुआ है तो ये जेड ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, गॉट इट सर? एक्चुअल में जैसे हम लोग पेजेस को पलट रहे वैसे हम लोग लेटर्स को पलट रहे हैं। उसके बाद एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, ये और ये सेम। कृपा गॉट इट? तो ध्यान से सुनो, इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको कैरेक्टर समझ में आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो वहीं दिख जाता है ना, क्योंकि वो आपको लिख कर देगा कि भैया किसको क्या करना है ना। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जहां सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होती है, वो होती है यार ऑब्जेक्ट्स वाली, बहुत टाइम पीता है ये, बहुत ज्यादा टाइम पीता है ना। तो उसको करने के लिए भाई थोड़ा सा ड्रॉ कर लो, सबसे आसान तरीका है, ठीक है, पॉइंट्स को मैच करके ड्रॉ कर लो। जैसे बिल्कुल सिंपल बोलता हूं बेटा, ठीक है, मान लो मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया, मान लो मैंने क्या बनाया, एक ट्रेपेजियम बनाया, ट्रेपेजियम, ठीक है, और इसमें लाइन है, वो कहां कंफ्यूज करता है मैं वो भी बता देता हूं, वो ये शेडिंग पार्ट में कंफ्यूज करता है। अगर मैं इसकी लाइन खींच दूंगा तो बनेगा तो ट्रेपेजियम ही आया ना। यस सर। लाइन कैसी दिखाई देगी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा ना। अरे सर ऑप्शन, समझ में आया? यस सर। पक्का? अब इसी में अगर मैं ये वाला मिरर रखता तो, देन ये वाली लाइन बेटा ऐसे बनती। यस सर। यस सर। पक्का? स्मॉलेस्ट लाइन है वो तो लेफ्ट से बनेगी ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, यही तो, यही कंफ्यूजन है ना, यही यही गेम है, वो यही खेलता है आपके साथ, वो आपकी भावनाओं को यही ठेस पहुंचाएगा। क्लियर? हाँ तो फिर से सोचो भाई, क्या होगा? सर ऑप्शन बी होगा। यही सही है कि मैं सही है? नो सर, वो गलत है। गलत है सर? सही है सर। सही है। तो देखो कैसे करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। फिर से जब भी आपको जैसे ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और मान लो इसमें ऐसी लाइन खींची हुई है, ठीक है, आप यहां पर एक लाइन खींचो और डॉट्स को डॉट से कनेक्ट करना शुरू कर दो। कैसे? इसकी इमेज यही बन जाएगी, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यही बन जाएगी और इसकी इमेज यहां बनेगी। कहो हाँ। यस सर। नो? तो बेटा yes. इस लाइन के डॉट की इमेज कहां बनेगी? यही बनेगी। और इस डॉट की इमेज कहां बनेगी? यहां बनेगी ना, तो लाइनें ऐसी आएंगी ना। समझ में आ गया? एक से ही आपको पता चल जाएगा क्या होगा। बात समझ में आई? यस सर। सीख गए? सर ये दोनों जगह के लिए अप्लाई होगा? हाँ दोनों में चित्र बना सकते हो। जैसे मान लो इसी परिस्थिति में यहां पर मिरर होता, मान लो यहां पर मिरर होता, ठीक है, तो आप क्या बोलते कि देखो सर ऐसा है, ये वाले डॉट की इमेज यही बनेगी, इसकी इमेज बन जाएगी यहां, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया, और इसकी इमेज बन जाएगी यहां, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया, इसकी इमेज बन जाएगी यहां, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया, ये बन गया, हाँ या ना? राइट? इस लाइन की इमेज बन जाएगी यहाँ, इस लाइन की इमेज बन जाएगी यहाँ, तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, तो शेडिंग भी बन गई। समझ में आया? So can you please explain the horizontal mirror once again? This is horizontal mirror, this is vertical mirror. You want to the explanation for H or V? For H. H, ठीक है बेटा। फिर से कुछ और फिगर बना देते हैं, ठीक है? Sure. मान लो थोड़ा सा असिमेट्रिक फिगर बनाया कि एक बकेट है। बकेट को भी नहीं बनाते, और क्या बनाए बताओ?
ऐसा बना लिया, ठीक है श्योर। और इसमें लाइंस मैंने ऐसे बना दी, वो सारी चीजें जो मिरर के परपेंडिकुलर होंगी उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, हाँ या ना? Yes, तो आप बोलोगे ये वाला डॉट की इमेज तो यही बन जाएगी सर, ये वाले डॉट की इमेज यही बन जाएगी, ये वाला डॉट यहां बनेगा, उसके पैरेलल में ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, ये यहां बनेगा, राइट और नॉट? इतना बनाने के बाद आपको पता चल जाता हाँ ये ऐसा हो जाएगा, ये वाला डॉट ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? समझ में आ गया बेटा? Yes, बढ़िया। अब इसी में सर एक बार वर्टिकल भी समझा दिए। हाँ वही वही, क्या फिर से बोलो बेटे? सर वर्टिकल भी समझा दीजिए। हाँ वर्टिकल भी समझा देते हैं, तो मान लो यहाँ पर मुझे ना हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे भी आपने ऊपर समझाया अभी अगले एग्जांपल में हॉरिजॉन्टल में स्लैंट लाइन लेके देखेंगे, ठीक है? यस चलो। तो अभी वर्टिकल में क्या होगा, फिर से वही, ये पॉइंट यही बन जाएगा, ये वाला पॉइंट दूर बनेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ बन जाएगा। इतना बनाने के बाद तो भाई हाथ साफ हो जाता है, हाँ है ना? यस सर, ठीक है। और ये लाइनें ऐसी की ऐसी रहेंगी, राइट और नॉट? ये फिर से देखते हैं। अब थोड़ा सा स्लैंटेड लेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर ट्रेपेजियम में हमने हॉरिजॉन्टल वाले में लेटरल इन्वर्जन बनाया, लेकिन ये वाले फिगर में वैसे ही बना दिया। फिर से बोलो बेटा। मैं नहीं, तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा था सुनो, ट्रेपेजियम में आपके साथ ये स्लैंट लाइंस कंफ्यूजन कर रही थी, फिगर तो सिमेट्रिक है, फिगर थोड़ी ना कंफ्यूजन कर रहा है, हाँ है ना? यस सर, ठीक है। वैसा यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। अगर मैं अंदर की शेडिंग हटा दूं तो फिगर कंफ्यूजिंग नहीं होता है, प्रॉब्लम शेडिंग से क्रिएट करते हैं ये लोग, ठीक है। फिर से एक और क्वेश्चन लेके देखेंगे। एक और क्वेश्चन क्या है भाई, तो इस बार हम लेंगे एक क्या ले लें बताओ, पेंटागन ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें शेडिंग कर देते हैं स्लैंटेड, ठीक। तो अब अगर आपने हॉरिजॉन्टल मिरर लिया है तो आप बोलोगे ठीक है ये डॉट की इमेज यही बन जाएगी, ये डॉट की इमेज यहाँ बन जाएगी, ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, तो फिगर तो बन गया, हाँ है ना? राइट यस। कोई भी एक लाइन, देखो कंफ्यूजन डायरेक्शन का होता है ना, सारी लाइनें सेम डायरेक्शन में, कोई भी एक लाइन पकड़ लो, मान लो मैंने ये वाली लाइन पकड़ ली, ठीक है श्योर। तो मैं बोलूंगा देखो ये डॉट यही बन जाएगा और ये वाला डॉट आके बनेगा यहाँ, तो मतलब ये लाइन ऐसे दिखेगी, अगर ये लाइन ऐसे दिख रही है तो सारी लाइनें ऐसे दिखेंगी, हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हो गया, क्लियर। यस सर, बढ़िया बढ़िया। सर हैंड का कैसे होगा? क्या बेटा? सर हैंड का, हाँ हैंड को देख लो चलो, अगर ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है तो एकदम डर मत जाना ये किसका हाथ बना दिया, ठीक है चल। तो अगर ये वर्टिकल मिरर है बेटा और हैंड का थंब यहाँ पर है, आया ना, और बाकी सारी फिंगर्स यहाँ पर है, ठीक है श्योर। तो क्या होगा, ये थंब यहां बनेगा, ये फिंगर यहां बनेगी, बात समझ में आई? यस सर, सर आपने पांच उंगली क्यों बनाई है? अरे मैं बोला था तुम घबराना नहीं कि किसका हाथ बना दिया, तुमने वही किया, ठीक है। इसके बाद अगर यहां पर मिरर होगा तो क्या होगा, तो ये वाला डॉट यहां बन जाएगा, ये थंब यहां पर आएगा, ये वाला टिप यहां आ जाएगा, समझ रहे हो? आया ना? यस सर, यस सर, यस सर, खतरनाक हाथ, ठीक है। चला लो यार बेटा काम, चला लो, मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है। एक बार मैंने एक बच्चे को राइफल ऐसे बना के पढ़ा दिया था, बोला ये राइफल है पढ़ लो, ठीक है, चलता है चलता है। ये बातें समझ में आई क्या?
yes, कुछ नहीं, मिक्स में कुछ नहीं होता, मिक्स में कुछ भी नहीं होता है वो आपको. हाँ बेटा बोलो. सर कभी कभी एक स्क्वायर बनाता है, उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स रहते हैं और सर वो रैंडमली किसी से शेड कर देता है रैंडमली कुछ स्क्वायर्स को. हाँ हाँ तो सर वही... फिर उसका मिरर इमेज पूछता है, उसमें कंफ्यूजन होता है. हाँ तो वो मेरे पास तैयारी रखी है, दिखाऊं? देखो ये तैयारी, वो अपन तैयारी करके आए बेटा, सारी पूरे असला बारूद लेकर आए हैं. ये अगर मैं इंसर्ट करूं, ठीक है, और कहाँ गया भाई, कहाँ गया पीडीएफ. मैं तो तैयारी करके आया हूँ, तुम्हारी फाइल कहाँ है? एनटीएच दिख रहा है, ये मेरा इमेज. ठीक है, यही सब बोल रहे हो ना बेटा? बच्चों आवाज आ रही है? यस ठीक है, यही सब बात कर रहे थे ना अपन. हाँ सर. ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद यही शुरू करेंगे, इसी के लिए तो बैठे हैं क्लास में. ठीक है, तो इसके बाद आता है कंबाइंड. कंबाइंड में क्या होता है कि वो लेटर्स और नंबर्स को कंबाइंड करके देगा, इससे ज्यादा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं देगा. ठीक है, लेटर्स और नंबर्स को कंबाइंड करके देगा, तो बढ़िया पढ़ा देंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन करना शुरू करें. yes, चलो उड़ाओ इसको, बचना नहीं चाहिए. थ्री ऑप्शन सी थर्ड. ठीक है, थर्ड वन सर. एवरीवन इज थ्री, वेरी गुड. क्योंकि सर उसने मिरर को लेफ्ट में रखा है या फिर राइट में? यस सर, सारे मिरर को बाय डिफॉल्ट वो यहीं पर रखेगा, अगर कुछ और मेंशन नहीं किया है. ठीक है, फाइन सर. दोनों में सेम इमेज आता है, लेफ्ट में रखेंगे राइट में? दोनों में सेम इमेज आता है, लेफ्ट में रखेंगे राइट में नहीं नहीं आएगा. अच्छा ओके. नो सर. नहीं 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 नहीं, कैसे जाएगा यार, चीटिंग हो जाएगी वहां. तो सर आएगा सर. नहीं आएगा करना भाई, पहले फिर बता. नहीं आएगा, नहीं आएगा. सर आएगा, आएगा यार, सही. नहीं आएगा सर, आएगा. सही बोल रहा है, नहीं आएगा. जो नहीं बोल रहा है वो बना के दिखाया तो नहीं आएगा. देखो ये इसका आंसर थ्री आ रहा है. मान लो यहाँ मिरर होता तो ये ऐसे बनता कि नहीं? यस सर. हाँ सर, ये ऐसे बनता कि नहीं, और जीरो वहां पहुंचता कि नहीं, राइट और नॉट? तो लेकिन बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन बेटा वो हमेशा यहीं पर रखेगा. ठीक है, बात समझ में आई? तो आप सभी का आंसर आंसर इज थर्ड. ठीक है, ऑप्शन नंबर चार ली. ओके, ठीक है. यस सर. आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन सॉल्व करो. बिल्कुल इजी है ये सब, बिल्कुल इजी. थर्ड वन सी पक्का? साफ साफ दिख रहा है, एरो ही आपको बता दे रहा है. सर थर्ड वन. थोड़ा सा कंफ्यूजन थर्ड और फोर्थ में पॉसिबल है, बट डार्क, देखो थर्ड और फोर्थ में हल्का सा कंफ्यूजन है ना, बट ये डार्क पोजिशन. यस सर, बस बीट वाला, बीच वाला जो डॉट रहेगा वो करेगा, डार्क तो वही रहेगा, राइट और नॉट? यस. थर्ड आंसर. हाँ बेटा, कोई तो आवाज दे रहा था, बोलो बेटे. नो सर, मैं बोल रहा था कि बीच वाला डॉट चेंज हो गया उधर पे. हाँ, कोई बोल रहा है हमें पता कैसे चलेगा, क्या पता करना है बच्चे बताओ.
सर इसमें क्वेश्चन में लाइक दिया नहीं है कि आपको हॉरिजॉन्टल निकालना है या वर्टिकल, तो फिर सर वो कैसे निकालेंगे? हाँ बेटा, तो वही बता रहा हूँ, अगर उसने मिरर बोला है और कुछ और मेंशन नहीं किया है तो द पोजीशन विल बी ऑलवेज हियर. ओके ओके और बच्चे? सर तो हमको वर्टिकल देना है ना? क्या सर, अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो हम वर्टिकल नहीं लेंगे? वर्टिकल लेना है, बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम. समझ में आया? यस सर. बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया. तो इसका भी आंसर 3 हो गया. नेक्स्ट वाले का निकालो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन हो जाए. सर 4 चिल्लाना नहीं है. सबको आ गया कोई डाउट? डाउट वाले बोलो भाई, डाउट वाले, डाउट वाले. तो देखो, नो डाउट सर. बहुत ही बढ़िया, साफ साफ ये एरो आपकी मदद कर रहा है. हाँ या ना? सीधे सीधे एरो मदद. yes. कर, राइट और नॉट? क्लियर? और कंफ्यूजन का कोई स्कोप भी नहीं है, है ना? चलो अब एक और प्रैक्टिस शुरू करते हैं, साथ साथ में लर्न करते जाते हैं कि अगर ये यहाँ पर मिरर को रखता तो क्या बनता. नहीं बेटा, फर्स्ट नहीं होता बेटा, थर्ड होता ना. एरो यहाँ थर्ड होता, ठीक है? तो यहाँ लिख देते वर्टिकल के लिए 4, हॉरिजॉन्टल के लिए 3. हाँ है ना? यस. श्योर? बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओए ओए, ये ध्यान से देखने वाला क्वेश्चन है, कोई नाव चला रहा है. सर 4 सर 4 सर 4 सर 4 सबको आ गया. तो वर्टिकल के लिए 4, बढ़िया. हॉरिजॉन्टल के लिए? हॉरिजॉन्टल के लिए सर यहाँ कोई ऑप्शन दिया नहीं है, बट अगर ऑप्शन नहीं है कि नहीं तो वाटर ऊपर है, अगर होगा तो ऐसे. बढ़िया, तो बंदा उल्टा हो जाता, राइट और नॉट? यस सर. वापस पानी ऐसा बन जाता, राइट और नॉट? बोट ऐसी बन जाती. ओके यस और नो? यस सर. बहुत बढ़िया. दूध सेम साइड में. नेक्स्ट. अरे उसके आगे की ड्राइंग मुझसे बनेगी नहीं ना यार, इसलिए मैंने छोड़ दिया. सर 1 सर 3 सर 3 सर देख तो सब एक ही जैसे. सर 3 है सर, क्योंकि उसके ऊपर वाला पत्ती डार्क है और नीचे वाला में लाइट शेड है. यस सर 3 सर सेम है शायद. फिर से देखो, शेडिंग है, शेडिंग का गेम थोड़ा सा हार्ड होता. हाँ, है सर 3. तो देखो सर, डार्क कहाँ होना चाहिए? डार्क कहाँ पर है? थर्ड में और फोर्थ में. हाँ है ना? हाँ, ये वाले भाई में हॉरिजॉन्टल लाइंस होनी चाहिए, तो फोर्थ में वर्टिकल लाइंस हैं. गलत हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन थर्ड में. यस सर नो? इतना डिटेलिंग क्या सर, क्योंकि पूरा काला ही पड़ेगा. ये अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं डिजिटली ट्रांसमिट कर रहा हूँ ना बेटा इमेज, तो शायद आपके पास उतनी क्लियर नहीं पहुँच रही है. मुझे बहुत साफ साफ दिख रही है. नहीं सर, ज़ूम करने से हो जा रही है. दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. तो बढ़िया बढ़िया. ओके, अब अगर ये फिर से पूछते अपने आप से सवाल, अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिरर होता तो क्या होता? सर सेकंड ऑप्शन. सर सेकंड. श्योर? यस सर. यस सर. बहुत बढ़िया. यस सर. 3 आया है, हॉरिजॉन्टल में 2 आता, ठीक है? नेक्स्ट. सर ऑप्शन 2 सर 4 सर सेकंड वाला 2 सर 4th हो सकता है, ये बात तो सही है. सर 2 लेकिन 4th में प्रॉब्लम है. हाँ है ना?
यस सर उसमें प्रॉब्लम है। हां सेकंड सही है ठीक है सर वो टेढ़ा लिखना चाहिए। वर्टिकल मिरर है तो आंसर होगा टू और हॉरिजॉन्टल होता तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसा है ना। यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा ठीक है और ये वाला सेमी सर्कल ऐसा दिखेगा राइट और नॉट। यस यस सर ऊपर दिखेगा और जीरो नीचे राइट और नॉट। यस सर बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट सर ऑप्शन फोर फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट नहीं है फोर्थ भी होगा द फर्स्ट सर फोर्थ एक हाथ थोड़ा स्लैंटेड और एक स्ट्रेट हाथ फोर्थ होगा। फर्स्ट में दोनों हाथ स्लैंटेड है फोर्थ में सिर्फ एक ही है सर फोर्थ। क्या बात है क्या बात है समझ गए ठीक है सर पर फोर्थ में हाथ शेडेड है थोड़ा ये सर कुछ जीकेक बना दिया। नहीं वो तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट है बेटा उतना तो चलता है ठीक है। देखो पहली बात तो बॉल की पोजीशन आपकी हेल्प कर रही है हाँ है ना। यस बॉल की पोजीशन एक दो और तीन जगह ये नहीं हो सकता राइट और नॉट। उसके बाद आपका स्लैंट हैंड ठीक है श्योर ये वाला पार्ट आपकी हेल्प कर रहा है तो वन हो सकता है और फोर राइट और नॉट। अब वन में क्या हो रहा है कि दोनों ही हैंड्स में थोड़ा बहुत स्लैग है जबकि यहाँ यस सर फोर्थ में नहीं है सर वो स्ट्रेट है। फोर्थ आंसर होगा कोई शक नो सर नो सर। अगर हॉरिजॉन्टल मिरर होता तो नहीं दिया हुआ है सर कोई सर ऑप्शन नहीं है तो ना यहाँ बंदा बनता उसका हाथ यहाँ वाला ऐसा होता है यहाँ वाला ऐसा होता और बॉल यहाँ बनती राइट और नॉट। हाँ सर तो यस सर प्लीज मैनेज विथ माय ड्राइंग। ये फिर से आ गया देखो शेडिंग वाला गेम सर ऑप्शन टू सर टू सर ऑप्शन टू बढ़िया। फिर से नीचे वाले यानी व्हाइट के साइड में जो पार्ट है उसकी शेडिंग हॉरिजॉन्टल है ना। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है यस सर यहाँ पर वर्टिकल है ये तो गड़बड़ हो गई हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ज्यादा बढ़िया सही खेल रहे हो यार तुम लोग। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड है आराम से देखो बनेगा। पहली बात तो ये हो ही नहीं सकता हाँ है ना। सर ऑप्शन फोर सर फोर सर ऑप्शन चौथा नंबर वाला यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है है ना। बॉक्स के शेप से पता चल गया हाँ सिर्फ और सिर्फ शेप से ही पता चल गया राइट और नॉट। Yes. Yes. शाबाश सीधे सीधे फोर कोई कंफ्यूजन ही नहीं क्रिएट करके दिए ठीक है। अगला सर ऑप्शन थ्री थ्री सर थ्री सर थ्री बढ़िया 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 बहुत ज्यादा बढ़िया सीधे सीधे आपकी मदद की किस किस ने तीनों ने है ना। ट्रायंगल ने राइट और नॉट। अरे वाह ट्रायंगल ने भी मदद की यार ये भी बात सही है ट्रायंगल ने भी मदद की। अगर यहाँ पे होता दो में ट्रायंगल क्या बना हुआ क्या हो जाता राइट और नॉट। पर वन होता समझ रहे हो सेकंड ऑप्शन नहीं 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 सेकंड ऑप्शन सेकंड का ऑप्शन कैसे ओए सेकंड ऑप्शन कैसे सर सेकंड होगा नहीं होगा ना सर वन बॉटम पे चला गया नहीं होगा सर ट्रायंगल का डायरेक्शन उल्टा है। अरे नहीं ट्रायंगल का डायरेक्शन ठीक है लेकिन वन प्रॉब्लम करेगा ना सर ट्रायंगल का भी वर्टिकल वन नीचे है वन नीचे दिखना चाहिए ट्रायंगल के समझ रहे हो। हां यस सर क्लियर Yes, yes, sir. Sir. इसके पहले का अपन हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया है। फिर से बोलो बेटा। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन का हॉरिजॉन्टल। इससे पहले वाले क्वेश्चन का हॉरिजॉन्टल बढ़िया बना लेते हैं ठीक है।
तो ये वाली लाइन यहाँ आ जाएगी, ये लाइन यहाँ आ जाएगी, तो ये लाइन ऐसे बनना चाहिए, ये वाला डॉट, समझ रहे हो? हाँ सर। ये वाला डॉट यहाँ आएगा और ये वाला डॉट यहाँ आएगा, ठीक है? तो ऐसे लाइन हो जाएगी, क्लियर? यस सर। सर तब तो ऑप्शन फोर ही सर, ऑप्शन फोर ही रहेगा। हाँ बढ़िया, ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अब आ गए ये लोग, चलो बताओ सर। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, नो सर, ऑप्शन थ्री, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन थ्री, तीन तीन, देखो सेकंड वाले में डब्ल्यू का एम उल्टा मिरर भी रख रहा है, दिख रहा है ना, चीजें उल्टी हो रही हैं, यहाँ डब्ल्यू उल्टा हो गया, यहाँ पे टी उल्टा हो गया, गड़बड़ हो गया, क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, एक एक कैरेक्टर को देखना पड़ता है थोड़ा सा। सर थ्री, सर ऑप्शन थ्री, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लोग चैट में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप लोग भी चैट में रिस्पॉन्ड करो, थोड़ा शोर हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बढ़िया। हाँ तो भाई थ्री आया, एक्चुअली मेरा चैट थोड़ा काम नहीं कर रहा है। ओ ओके ओके, सॉरी बेटा, नो। तो सर आपने कहा कि सर होगा, सर फोर होगा, हाँ एम भी बदल जाएगा ना सर। तो देखो यहाँ नहीं सर, सर फोर्थ में तो एम उल्टा है, थ्री होगा, थ्री होगा, मेरा इमेज है, सॉरी सर, मैंने फोर में एम उल्टा कर दिया उसने, ठीक है, क्लियर? तो आंसर इज थ्री, वेरी गुड, शाबाश, सही खेल रहे हो। अगला सर फोर, सर फोर, सर फोर, फोर, सीधे सीधे क्यू आपकी हेल्प कर रहा है, वेब को देख लो, सीधे सीधे क्यू आप, मतलब इसने क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश ही नहीं की है, कि नहीं सर? ऑप्शन थ्री में जी भी गलत हेल्प कर रहा है, एच हेल्प कर रहा है, अच्छा एच भी हेल्प कर रहा है, ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है, यस अभी यू टी यू क्यू सब सर, ए भी वैसे ही है सर, सभी लेटर सीधे ही लिखे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट सर सेकंड ऑप्शन, सर सेकंड ऑप्शन, सेकंड सेकंड, बिल्कुल सेकंड, थर्ड का सीक्वेंस रॉन्ग है, फोर्थ में एस के साथ प्रॉब्लम है, सेकंड में कोई सर, मैंने को देख लिया तो मैंने थर्ड ही बोल दिया सीधा, पीछे से गड़बड़ है ना, ठीक है, श्योर, बढ़िया। सर फोर्थ ऑप्शन, यस सर फोर्थ ऑप्शन, सर सेकंड ऑप्शन, सर सेकंड, फोर्थ फोर्थ में, सर सेकंड, सर सेकंड ऑप्शन, सर सेकंड, सर सेकंड हो गया, हाँ, और उसके बाद पी सही, तो सेकंड सर, पी भी डी वन, सेकंड सही है, फोर्थ कहाँ सही है? नो सर सेकंड, थर्ड सही है सर, थर्ड सही है, थर्ड सही है, एन फाइव सिक्स सही हो गया, पी भी टू सेवन सही हो गया, पी को उल्टा कर दिया, एन 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 एन, ये प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये सेकंड सही नहीं है, वेरी गुड सर, थर्ड, थर्ड सर, थर्ड, 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 देखा ये यही तो इसमें है, नेक्स्ट, सिर्फ नंबर है, बढ़िया, सर फोर्थ, सर फोर्थ, सर ऑप्शन फोर्थ, पहली बात तो ए नहीं हो सकता है ना, टू सीधा का सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, और सिक्स ही पता, ऑप्शन फोर सिक्स ही पता चल रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक तीनों चारों सही है, सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम थी, हाँ है ना, ठीक है, फाइव के बाद नाइन आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट सर ऑप्शन सर ऑप्शन वन, सर वन,
सर वन पक्का यस सर ऑप्शन फोर सर फोर्थ में ए उल्टा कर दिया है समस्या है आंसर इज वन यस सर वन है सुन में आया वेरी गुड शाबाश नेक्स्ट सर उसी का हॉरिजॉन्टल में उसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ना इसका हॉरिजॉन्टल में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा बेटा क्योंकि कहीं भी जी उल्टा नहीं बना हुआ अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल है तो जी ऐसा दिखना चाहिए ना ठीक है हाँ यस सर यस सर सर थर्ड सर हाँ बेटा थर्ड में ए उल्टा बना हुआ है यार सर सेकंड होगा शायद सर सेकंड सर सेकंड सेकंड है ना यस क्लियरली ए से ही पता चलता है सीधे सीधे पहले ऑप्शन से ही पता चल रहा है ना पहले लेटर से राइट यस पक्का Yes. Next. Sir, fourth. Sir, fourth. Sir, fourth. Second लग सकता है लेकिन second में Z flip नहीं हुआ है. Z flip नहीं हुआ. Yes. Same Z. अगर Z flip नहीं हुआ तो fourth होगा. हाँ, very good. शाबाश, शाबाश. Yes. शाबाश, very good. Next. सर ऑप्शन टू सर फोर सर फोर तो ऑप्शन फोर सर यस सर फोर यस सर फोर हाँ यस सर फोर होगा क्योंकि सर सेकंड वाले में फोर की जगह वन दे दिया है बढ़िया बहुत सर दो तो वन के बाद एलिमिनेट हो जाएंगे आंसर फिर मेरी बात में टी उल्टा है हो सकता टी उल्टा है थर्ड नहीं हो सकता सीक्वेंस गलत है ना फिर हम लोग सेकंड और फोर्थ को देखना शुरू किए सब कुछ सही चल रहा था सेकंड में भी सीक्वेंस गलत है फोर और वन हो गया आया ना यस सर हाँ सर वन और फोर भी हो गया सेकंड में सर भी राइट तो आंसर फोर है क्लियर हाँ यस सर बढ़िया तो भाई ये हो गया अपना खत्म समझ में आ गए मिरर इमेजिंग यस सर कोई शक नहीं इसमें No, चलो बढ़िया no, तुमने जल्दी कर लिया यार मैं तो सोच रहा था अपने को टाइम लग जाएगा तुमने तो बहुत जल्दी कर लिया यार चीटिंग है ये तो अब क्या होशियार बच्चे क्वेश्चन ही खत्म हो गए यार सर कल का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं कल जो पढ़ना यस सर यस सर एक मेंटी खेल मेंटी खेलेंगे बेटा मेंटी खेलने का मन है मेंटी खेलेंगे लेकिन एक समय आने पर है ना कब आ रहा है भी आज आज की प्रॉमिस के हिसाब से कब समय आ रहा है मेंटी का फ्राइडे तो अभी तुमको मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों समझ में आ गया हाँ या ना दो हमने वाटर इमेज प्रैक्टिस नहीं की है वो कल कर लेंगे हम लोग हाँ या ना क्लियर यस सर श्योर यस के बाद जो टॉपिक होने वाले हैं वो बड़े मजेदार टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों ठीक है श्योर कौन कौन से हैं बताओ कुछ आइडिया शेड्यूल दिखा होगा वीक का तो दिखाई होगा बोलो सर साइलोजिज्म हां वेरी गुड उसका क्या मतलब होता है उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको सर डिडक्शन रीजनिंग सर उसमें अजम्पशन वगैरह के बेस पे हमको टोटल आंसर बताना है हां वो बोल देगा आपसे कि मान लो ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद आता है तो फिर वो कुछ कंक्लूजन निकालने को बोलेगा समझ में आई ना बात यस यस वो क्या करता है वो आपसे बोलता है कि मान एक एब्सर्ड सा कुछ लॉजिक दे देगा आपको और फिर बोलेगा कि भैया अब इसके हिसाब से आंसर दो आया ना श्योर सर उसमें कुछ कोड लैंग्वेज टाइप का भी होता है ना नहीं कोडिंग और डिकोडिंग वो अलग सिनेरियो है बेटा वो नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे हम ठीक है ठीक है उसमें क्या होता है कोड कह सकता है वो कि कोडिंग भी उसमें इंक्लूड कर सकता है क्योंकि वो बोल देगा कि मान लो एप्पल की स्पेलिंग ब्रावो है मान लो तो क्या कर लोगे आप आया ना कुछ कर सकते हो क्या ऐसे इंसान का जो ये बोल दे एप्पल की स्पेलिंग ब्रावो है
नहीं कर सकते एग्जामिनेशन हॉल में, तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बाहर मिले तो उसको बताएं भी अपन, आए ना। जैसे एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा, एक एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है उसका, जैसे कि मान लो दिमाग में कुछ आए तो बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि सम कैट्स आर रैट, आए ना, सम कैट्स कैट्स आर रैट, यस सर, सुना सुना लग रहा है, आया था एक, हाँ सर बहुत बार सुना हुआ है। ऑल बैट्स आर टेबल्स, आया ना, एंड ऑल रैट्स आर बैट्स टेबल्स, ठीक है। तो इस कहानी से आपको क्या क्या कॉन्क्लूजन मिल सकते हैं, तो कॉन्क्लूजन लिखे हुए हैं, रुक जाओ, शांति बनना, शांति। पहला कॉन्क्लूजन लिखा हुआ है, सम कैट्स आर बैट्स, सर पहला वाला सही है, अरे रुक जा भाई, ऑल बैट्स आर रैट्स, उसके बाद ऑल टेबल्स आर कैट्स, ठीक है। ये तीन लाइनें हैं, लाइन नंबर वन, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री, आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस हैं, ओके। ओनली वन एंड टू, ओनली टू, ओनली वन एंड ओनली वन, रुक जाओ, सम कैट्स आर बैट्स लिखा क्योंकि चार भी है, ऑल बैट्स आर रैट्स लिखा, ऑल टेबल्स आर कैट्स लिखा, एंड ऑल बैट्स आर कैट्स नहीं लिखा, मैं चौथा नहीं लिखा, ऑल बैट्स आर कैट्स, ओनली वन एंड फोर, ठीक है, और नन ऑफ द अबव फॉलोज, बताओ ये क्वेश्चन, ओनली वन एंड फोर, सर ओनली वन एंड टू, वन एंड टू, One and two. Yes, sir. बढ़िया बढ़िया बढ़िया, देखो ये आपकी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से किसी ने चार निष्कर्ष निकाले, कॉन्क्लूजन्स निकाले, वो पूछ रहा है कि कौन से कॉन्क्लूजन सही है, वत्सल बोले कोई भी सही नहीं, हाँ भाई चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सर नन, देखते हैं। पहला कंक्लूजन बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सम कैट्स आर रैट, तो अगर दुनिया में जितनी कैटे हैं उनमें से कुछ रैट भी है, हाँ या ना, हाँ सर, राइट और नॉट, बढ़िया। ऑल बैट्स आर टेबल, दुनिया में जितने बैट हैं वो सारे के सारे टेबल्स भी हैं, कुछ टेबल अलग हैं लेकिन, समझ रहे हो ना बात, क्लियर, यस सर, हां सर। एंड ऑल रैट्स आर बैट, दुनिया में जितने रैट हैं वो सारे बैट हैं, तो ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बैट और ये हो जाएगा टेबल, कहो हाँ, हाँ सर, यस, बात समझ में आई, राइट और नॉट, तो तुम बोलोगे yes, सम कैट्स आर बैट, कुछ कैट बैट हैं, हाँ बात तो सही है, सही है क्या, हाँ सर, यस सर, यस सर, श्योर, यस सर, यस, दूसरा, ऑल बैट्स आर रैट, सारे बैट चूहे हैं, नहीं सारे चूहे बैट हैं, ठीक है, सारे बैट चूहे नहीं है, कुछ बैट यहाँ पर हैं जो ना चूहे हैं, वो टेबल है बट वो चूहे नहीं है, राइट और नॉट, यस, बढ़िया। अगला स्टेटमेंट बोलता है ये गलत हो गया, तो मतलब ये वाला बात गलत हो गई, ठीक है, ऑल टेबल्स आर कैट, सारे टेबल कैट है, नहीं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेबल रखे हुए हैं जो कि कैट नहीं है, तो ये भी बात गलत हो गई, ऑल बैट्स आर कैट, फिर से वही नहीं है, ये सारी बातें गलत हो गई है, तो सिर्फ और सिर्फ वन करेक्ट है जो कि कहीं पर दिया नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज करेक्ट होगा, है ना सर, उसको वेन डायग्राम से सॉल्व कर, ये वेन डायग्राम से समझाना आसान है, सॉल्व करना आसान है या नहीं ये नहीं पता मुझे, मुझे समझाने में आसानी लगती है बेटा वेन डायग्राम, है ना, राइट और नॉट,
तो समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन अपन बैठ के कल बढ़िया आराम से करेंगे, ठीक है? श्योर? चलो बढ़िया, इतनी देर सॉल्व कर। रोहित सर की क्लास नहीं है क्या? क्या बेटे? सर कल रोहित सर की क्लास नहीं है क्या? नहीं कल मेरी ही क्लास है, ठीक है? रोहित सर की रखवा दूं? मैं पूछता हूँ रोहित से, ठीक है? चल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस, थैंक्स अ लॉट, बाय 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 बाय। राइट आवर नेम्स इन द चैट बॉक्स। हाँ सभी लोग चैट बॉक्स में नाम लिख दो, अटेंडेंस लेना आसान होगा ना। गुड डे सर। गुड डे बच्चे। थैंक यू।